नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया के सबसे बड़े सरगना सुपारी संपादक अर्णब गोस्वामी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अर्णब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ के साथ में मिलकर के जो उसने टीआरपी की चोरी करने का काम किया था, टीआरपी का स्कैम किया था, पार्थव दास गुप्ता और अर्णब गोस्वामी के बीच में हुई व्हाट्सएप चैट की 512 पन्ने की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सबके सामने आई है। किस तरह से अर्णब गोस्वामी, पार्थव दास गुप्ता जो कि बार्क के सीईओ रहे हैं, और हमने आपको बताया था कि टीआरपी का स्कैम कैसे उन्होंने किया था, कैसे जहां जहां पर मीटर लगते हैं वो पूरी जो गोपनीय बातें होती हैं जिसके जरिए टीआरपी नापी जाती है, वो सारी जानकारी बार्क के पूर्व सीईओ, बार्क जो है वो एक एजेंसी है जो रेटिंग नापने का काम करती है, ये बातें हमने आपको पहले भी बताई है लेकिन फिर भी थोड़ा बता रहे हैं आप ताकि समझ सके। बार्क के सीईओ पार्थव दास गुप्ता ने ये सारी जानकारियां अर्णब गोस्वामी को दी और बदले में अर्णब गोस्वामी उससे क्या वादा कर रहा था, अर्णब गोस्वामी उससे वादा कर रहा था कि पीएमओ के अंदर उसकी दखल है, पीएमओ के अंदर वो कोई भी काम जो है वो करवा सकता है। और पार्थव दास गुप्ता को अर्णब गोस्वामी की तरफ से वादा किया गया कि वो पीएम का एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर पार्थव दास गुप्ता को बना देगा। ये अर्णब गोस्वामी की तरफ से पार्थव दास गुप्ता को जो है वो वादा किया जाता है और पार्थव दास गुप्ता उल्टा ये वादा करता है कि वो अर्णब गोस्वामी के चैनल को टीआरपी में सबसे नंबर वन बना देगा। एक लाइन में अगर कहें तो पूरी 512 पन्नों की जो चैट लीक हुई है, व्हाट्सएप की चैट, जो बात मैंने आपको बताई है, ये तमाम बातें जो है उसने पार्थव दास गुप्ता से व्हाट्सएप के ऊपर की थी और ये सारी बातें जो है अब सबके सामने आ गई है और पूरी तरह से अर्णब गोस्वामी बेनकाब हो गया है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से अर्णब गोस्वामी ने चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके क्या कुछ नहीं कहा, सोनिया गांधी के बारे में तमाम बातें कही और जो नेता है उनके बारे में तमाम बातें कही, और एक तरफ जो है वो किस तरह से जो है वो टीआरपी के नाम पर स्कैम कर रहा था और कैसे कैसे पीएमओ के अंदर उसने अपनी दखल बताई है और वो गुप्त जानकारियां जो किसी को नहीं होनी चाहिए लेकिन व्हाट्सएप चैट में वो गुप्त जानकारियां सबके सामने आई है जो अर्णब गोस्वामी ने पार्थव दास गुप्ता के साथ में साझा की है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है और अर्णब गोस्वामी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इसलिए ध्यान से इस खबर को देखिए, ध्यान से इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये घोटाला हुआ था और किस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले आप विनोद कापड़ी का ये ट्वीट देखिए। विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके कहा है कि मासूम रिया चक्रवर्ती आपको याद हो गया, भूले तो नहीं है, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तमाम जो व्हाट्सएप चैट थी उनको लीक करवा करके वो सारी चैट जो है वो दिन भर चलाई जाती थी। किस तरह से यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की चैट जो है वो इन न्यूज चैनलों ने दिन भर चलाई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को व्हाट्सएप करती थी कि उसको इतना ड्रग चाहिए, इतना माल चाहिए, तमाम बातें जो है वो कही गई और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करवा दी गई। हालांकि बाद में कोर्ट को जो है उसको जमानत देनी पड़ी और कहना पड़ा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाया है, वो बात तो वो थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि रिया चक्रवर्ती की उस बात को इतना उछालने वाले लोग जो है अब उनके मुंह पर फेविकोल लग गया है, तमाम मीडिया चुप है। इतनी बड़े खुलासे के बाद में भी कोई अर्णब गोस्वामी के ऊपर बात नहीं कर रहा है और रिपब्लिक टीवी तो बात करेगा ही क्यों। विनोद कापड़ी का एक ट्वीट आप देख लीजिए, मासूम रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट न्यूज चैनलों ने 24 घंटे दिखाई, जरा सी रीड और शर्म बाकी है तो इस मॉन्स्टर सुपारी संपादक क्रिमिनल गैंग को एक्सपोज करो और जिन्हें जरा भी इस व्हाट्सएप चैट पर शक हो उनकी जानकारी के लिए बार्क के पूर्व सीईओ पार्थव के साथ सुपारी संपादक की 512 पन्ने की व्हाट्सएप चैट का यह रहा सबूत, इस घनोने आदमी को एक्सपोज करो, ये तो रिया नाडिया गेट का भी बाप निकला। अभिसार शर्मा ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और अभिसार शर्मा ने लिखा, क्या ये वही 420 है जिसने 280 बार माफी मांगी थी, ये तो राडिया गेट का भी बाप निकला। किस तरह से जो है ये व्यक्ति सबको जो है वो घुमाता रहा लेकिन असली खेल जो है वो इसका पर्दाफाश अब हुआ है।
विनोद कापड़ी ने एक और ट्वीट किया है और विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुपारी संपादक बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, उसकी और एएस और पीएमओ की सांठगांठ के ढेरों व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं। ये आदमी अपराधी है, टीआरपी के लिए संगठित गिरोह चला रहा है, देश को लूट रहा है। बाकी न्यूज चैनल में रीड हो तो इसे एक्सपोज करो। चैट का ये नमूना आप देखिए, चैट का ये नमूना आप देखिए किस तरह से जो है ये व्यक्ति पार्थव दास गुप्ता को कैसे कैसे वादे करता है और उन वादों के बाद में उसके लिए काम भी किया है, इस बात के भी सबूत हैं। आप ये देखिए चैट का, 512 पन्ने की चैट है जो कि लीक हुई है, उसकी जो है सबके सामने आई है, 512 पन्ने की है, लेकिन कुछ एक जो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लीजिए। ये सबसे पहले आप ये देखिए गोलधारे में जो ऊपर लिखा हुआ है, 25 मार्च 2019 की चैट है और इसमें जो है पार्थव दास गुप्ता जो है वो बार्क का पूर्व सीईओ रहा है। बार्क की तरफ से पार्थव दास गुप्ता एक रिपोर्ट भेजता है और उसके बाद में नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ये बेहद गोपनीय फाइल है जो फाइल वो उसको दे रहा है। उसके बाद में ये रजत शर्मा का नाम भी यहां पर आता है और रजत शर्मा का नाम लेकर के ये पार्थव दास गुप्ता कहता है कि रजत शर्मा भी उसके पीछे है। इसके बाद में जो नीचे जो है ये कहा गया है कि पार्थव दास गुप्ता को जो है वो ये पार्थव दास गुप्ता जो है वो अर्णब गोस्वामी से कहता है कि मुझे आपकी पीएमओ में हेल्प चाहिए, ये पीएमओ में हेल्प के लिए जो है वो यहां पर ये मांगी गई है, आप मेरे को पीएमओ में हेल्प करिए। और इसके बाद में जो अर्णब गोस्वामी की तरफ से कहा गया है, अर्णब गोस्वामी की तरफ से कहा गया है कि रजत शर्मा जिसका आप ऊपर जिक्र कर रहे हैं, रजत शर्मा की पीएमओ के अंदर कोई एंट्री नहीं है। रजत शर्मा आज की बात जो है कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तमाम बातें जो है वो रजत शर्मा लगातार कहते हैं, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो अर्णब गोस्वामी बता रहे हैं कि उनकी पीएमओ के अंदर कोई एंट्री तक नहीं है। आप काहे चिंता कर रहे हैं रजत शर्मा के नाम की। दूसरा आप देखिए ये भी बेहद जो है वो जरूरी है और इसमें एएस का नाम लिया जा रहा है और एएस जो है वो कोई शख्स है, वो शख्स जो है वो पीएमओ के अंदर बैठा हुआ है और वहीं से पीएमओ के उसके एएस के द्वारा जो है वो अर्णब गोस्वामी पूरी जो है वो गैंग चला रहा है। पीएमओ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रजत शर्मा को है। सोचिए पीएमओ के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी जो है वो जो हमारे दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी नहीं होती है, इतनी गोपनीय जानकारी होती है, लेकिन पीएमओ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी अर्णब गोस्वामी को है। ये वाकई जो है वो अपने आप में डरावना है। अगर एक व्यक्ति एक चैनल का मालिक जो है वो पीएमओ के अंदर इतनी दखल रखता है कि वो कुछ भी जानकारी वहां से निकलवा सकता है या अपने कहने के अनुसार जो है काम करवा सकता है, तो ये बेहद डरावना है और इस बात में जो है भारत सरकार को भी जो है इसको लेकर के संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें कहा है कि ठीक है आप जो पीएमओ में आप मदद कर चाह रहे हैं वो पीएमओ में आपकी मदद हो जाएगी। इन दोनों की तरफ से डील यही होती है कि पार्थव दास गुप्ता को जो है वो पीएमओ में पीएम का मीडिया एडवाइजर बनाया जाएगा और उल्टा पार्थव दास गुप्ता जो है वो अपना इनको नंबर वन टीआरपी में चैनल बना करके देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो अब अर्णब गोस्वामी को फिर से जो है वो जेल होगी, इसमें कहीं पर कोई दोराय नहीं है। और अब मामला जो है वो पीएमओ तक पहुंच गया है और खुलासा हो गया है, इसलिए अब पीएमओ भी अपने हाथ गंदे नहीं कराएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है, भले ही अर्णब गोस्वामी जो है उस पर ये कह सकते हैं कि उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएमओ के ऊपर सीधा हाथ है, लेकिन जब कोई चोर पकड़ा जाए तो कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता है। और अब जब पीएमओ का नाम भी इसमें आ गया है तो निश्चित तौर पर अर्णब गोस्वामी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी तय है। रजत शर्मा के बारे में कहा गया कि रजत शर्मा कुछ नहीं है। उसके बाद में नविका कुमार को जो है वो ये देखिए प्रूफ है इस बात के, एक दिन पहले जो है वो अर्णब गोस्वामी कहता है कि जो नविका कुमार ने इंटरव्यू लिया अमित शाह का, अमित शाह के इंटरव्यू के बाद में अमित शाह ने कहा कि नविका कुमार जो है कचरा है। ये बात जो है वो भी इस व्हाट्सएप चैट में आई है। तो इतनी गोपनीय जानकारी है, अगर मैं आपको पूरी बातें बताने लगूं, 512 पन्ने की रिपोर्ट है, 512 पन्ने की रिपोर्ट है, कई घंटे की जो है इस पर वीडियो बन सकती है कि क्या क्या इन दोनों के बीच में चैट हुई थी। और वो चैट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि ये चैट जो है वो सीधे सीधे पीएमओ तक इन दोनों की दखल हो रही थी और ये सबसे गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इनकी जो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट में इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर आईबी मिनिस्टर तक को कहा है कि वो यूजलेस है। मतलब जो अर्णब गोस्वामी है वो अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि वो प्रकाश जावड़ेकर, रजत शर्मा, नविका इन जैसे लोगों को कुछ नहीं मानता है। अर्णब गोस्वामी सीधा ही कहता है कि
जिस तरह से इसकी व्हाट्सएप चैट है ऐसा दिखता है कि अर्णब गोस्वामी इधर से फोन करेगा, प्रधान उधर से जो है वो नरेंद्र मोदी जी फोन उठाएंगे और उसके बाद में साइन कर देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से जो है वो अर्णब गोस्वामी अपने आप को पेश कर रहा है और वो कह रहा है कि यूजलेस है, जो प्रकाश जावड़ेकर है आईबी मिनिस्टर है वो भी यूजलेस है। इनकी व्हाट्सएप चैट में इस तरह से ये खुलासा हुआ है। सवाल यही है कि जिस तरह से व्हाट्सएप चैट को लेकर के रिया चक्रवर्ती जैसे एक मासूम को जो है इन लोगों ने जेल के पीछे भिजवाया, उसकी जो है कहीं पर जो है कोर्ट तक ने जो है उसको बरी किया है, कोर्ट ने भी उसको जमानत दी है और कोर्ट ने कहा कि कुछ सबूत नहीं मिले, लेकिन इन लोगों के बारे में इतने महत्वपूर्ण सबूत मिल रहे हैं, पूरी तरह से 512 पन्ने की चैट है, क्या उसके बाद में भी कोई कार्रवाई होगी? क्या अर्णब गोस्वामी के चैनल को अभी भी चलाने की इजाजत दे देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से टीआरपी को लेकर के पूरा उसने फर्जीवाड़ा किया, स्कैम किया और उसके बाद में सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे उसने अपने चैनल को नंबर वन बनाया, ये भी सबके सामने आ गया है। झूठ के ज्यादा दिन पैर नहीं होते हैं, झूठ जो है वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता है, एक ना एक दिन जो है वो सच सबके सामने आ ही जाता है और अर्णब गोस्वामी का सच भी सबके सामने आ गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सच खौफनाक है, डरावना है। डरावना इसलिए है कि एक भारतीय के तौर पर आपको भी और मुझे भी इस बात की शर्म आनी चाहिए कि एक चैनल में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे पीएमओ को चला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात होनी चाहिए, एक चैनल में बैठा हुआ ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो चाहूंगा पीएमओ में वही होगा और पीएम वही करेंगे, प्रधानमंत्री वही करेंगे, ये शर्म की बात है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए, आगे आना चाहिए और अर्णब गोस्वामी जैसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।